दिल्ली में सितंबर अक्टूबर आते आते डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगता है। एक तरफ कोरोना से पहले दिल्ली ही क्या पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू के खतरे को लेकर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी मार्लेना ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायिका आतिशी ने कहा कि दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, पर दिल्ली नगर निगम ने अभी तक डेंगू की रोकथाम की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली वाले पिछले 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी के भ्रष्टाचार की वजह से, भाजपा शासित एमसीडी की मिस गवर्नेंस की वजह से परेशान है। चाहे एक तरफ एमसीडी के द्वारा लगातार चलती हुई उगाही हो, या दूसरी तरफ जो एमसीडी का नॉन परफॉर्मेंस है और जो दिल्ली को उन्होंने कूड़ेदान बना दिया है, दिल्ली वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। आज दिल्ली वालों की जान पे बनाई है। क्यों? क्योंकि भाजपा शासित एमसीडी, जिसकी जिम्मेदारी है डीएमसी एक्ट के तहत एमसीडी की एक ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली में जो भी बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, उनकी प्रिवेंशन एमसीडी की जिम्मेदारी है। लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। एमसीडी ने दिल्ली में डेंगू को रोकने के लिए एक भी कदम समय से नहीं उठाया है और उसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली देख रही है कि रोज डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा भाजपा से सवाल है कि एमसीडी डेंगू के केस रोकने के बारे में क्या कर रही है। एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, उनके ब्रीडिंग चेकर्स की टीम घर घर जाके देख के आए कि किसी भी घर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मच्छर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं उस पानी को खाली करवाना, वहां पर दवाई डालना, तेल डालना, ये एमसीडी की जिम्मेदारी होती है। एमसीडी की दूसरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हर कॉलोनी में, हर इलाके में फॉगिंग करने की, जिससे अगर मच्छर कहीं पनप भी जाए तो वो मच्छर फॉगिंग के द्वारा मार दिए जाएं। लेकिन आज के दिन में ना के बराबर फॉगिंग पूरी दिल्ली में हो रही है। ये दोनों एक्टिविटीज करने के लिए एमसीडी में एक पूरा विभाग है, एक एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है जिसमें कई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट को एक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हेड करता है, उसके नीचे एंटी मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, फिर सीनियर मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, और फिर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होते हैं। हर वार्ड में 10 से 15 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होना एमसीडी में अनिवार्य है। लेकिन एमसीडी में भाजपा ने जितना मिस गवर्नेंस किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, आज एमसीडी का ये हाल है कि तकरीबन जो एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है उसमें 70% से ज़्यादा वेकेंसीज हैं। आज उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट में लोग ही नहीं हैं जो जाके एमसीडी के इस जिम्मेदारी को निभा सके और दिल्ली वालों को डेंगू से बचा सके। दूसरी बात, अगर दिल्ली को डेंगू से बचाना है तो हर वार्ड में कम से कम एक फॉगिंग मशीन की आवश्यकता है, लेकिन आज किसी भी एमसीडी में जितने वार्ड्स हैं उतनी फॉगिंग मशीन्स नहीं हैं। एमसीडी ये जवाब दे, तीनों भाजपा शासित एमसीडीज ये जवाब दे कि उनके हर वार्ड में फॉगिंग मशीन क्यों नहीं है, कहाँ हैं फॉगिंग मशीन्स? जो पैसा बजट में एलोकेट किया जाता है फॉगिंग मशीन्स के लिए, वो पैसा कहाँ गया? कि जब डेंगू का सीजन सर पे आता है तो आप देखिए, साउथ एमसीडी में 104 वार्ड हैं, लेकिन उस 104 वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 16 फॉगिंग मशीन्स हैं। 104 वार्ड में 16 फॉगिंग मशीन कैसे फॉगिंग करेंगी? और इसी का नतीजा है जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं,
एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि अप्रैल के महीने में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के खिलाफ दवाई प्रोक्योर करने की। वो दवाई जब डोर टू डोर ब्रीडिंग चेकर्स जाते हैं, वो घरों में उसका छिड़काव करते हैं, किसी के कूलर को खाली करवा के उसमें डालते हैं, और दूसरा दवाई का यूज होता है फॉगिंग के लिए। ये दवा जो अप्रैल में एमसीडीज द्वारा खरीदी जानी थी, एसडीएमसी ने उसे सितंबर में जाके खरीदा है। इतना ही नहीं, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में अक्टूबर तक में डेंगू के खिलाफ जो दवा की जरूरत है वो नहीं प्रोक्योर हुई है। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।